वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो थंबनेल में भी आप क्वेश्चन को देखे होंगे और हरा के मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए, कोई कोई क्वेश्चन होता है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, ठीक है, रहता है बहुत ही ईजी। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप दो चीज़ का यूज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हल्का सा दिमाग का यूज करो, वो तो हर क्वेश्चन आपको करने का आता है, इसमें कुछ नहीं। आप कौन सा क्वेश्चन बिना दिमाग का होता है, हर क्वेश्चन होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा लगता है किसी में कम लगता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन में बहुत ही कम ब्रेन की जरूरत है, हल्का सा, नहीं के बराबर। अच्छा, यानी कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन में, पहला बात हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड इसमें वर्ड मीनिंग का काम है, इसलिए वर्ड मीनिंग अच्छा से याद किया कीजिए। वर्ड मीनिंग से आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, आपका मतलब अप्रोचिंग पावर बढ़ता है, क्वेश्चन को समझने का पावर बढ़ता है। ये कुछ ऐसा है, मान लो दो पर्सन है, अब ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो पर्सन है, एक पर्सन के पास मान लो 10,000 ईटा है, 10,000, ठीक है, और एक पर्सन के पास 1,00,000 ईटा है, ठीक है, ब्रिक्स ब्रिक्स यानी कि ईट। तो एक जो पर्सन है, ठीक है, उसके पास 10,000 ईटा है, 10,000 ब्रिक्स है, क्लियर, 10,000। और जो सेकेंड है उसके पास 1,00,000 है, यानी कि 1,00,000 ईटा है, क्लियर। अब हम एक बात बताओ, किसका घर एकदम बहुत बड़ा बनेगा? ऑफकोर्स 1,00,000 ईटा वाले के पास, यानी कि 1,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है, तो उसके पास 1,00,000 ईटा है तो यानी कि उसका घर बहुत 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 बड़ा बनेगा, ठीक है। जिसके पास 10,000 ईटा है तो उसका घर उतना बड़ा नहीं बनेगा। तो ये होता है, तो अब इसको रिलेट करो। जिसको मान लो 100 वर्ड मीनिंग आता है और जिसको 500 वर्ड मीनिंग आता है, लेकिन जिसको 500 वर्ड मीनिंग आता है तो उसका तो भाषा के प्रति पकड़ तो उसका ना ज़्यादा होगा, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन है, क्यों आपको घुमा दिया इस क्वेश्चन में, सिंपल में आपको याद रखना है। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना, ठीक है, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत, दर्शाना। जैसे मैं यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ये इंडिकेट करता हूँ कि ये प्लस का साइन है, ठीक है। फिर कोई आदमी एक सवाल दे देगा, बोलेगा ये कुछ भी लिख देगा यहाँ पे, कुछ भी, ये सिग्मा होता है ना, ये अब ये यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। तो ये इंडिकेट क्या करता है, प्लस को यानी कि सम को, जोड़ को, सम हुआ नहीं है, ठीक है, ये भी इंडिकेट है। तो इंडिकेट मतलब होता है बताना, समझाना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना कोई चीज़ को। तो ये आपको यहाँ पे समझ गए होगा। मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ये जो है ना ऐसे, तो कुछ भी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, ये इंडिकेट करता है एप्पल को, मैंने एक बात कहता है समझाने के लिए मैंने बोला, ठीक है, ये इंडिकेट करता है एप्पल को। तो आप मैंने तो आपको बता दिया कि ये इंडिकेट करता है एप्पल को। अब ये जहाँ पे देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एप्पल आ जाएगा, मतलब ये होता नहीं। मैं आपको रिलेट फील करा रहा हूँ आपको बात को, ठीक है। मान लो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे अपने सवाल बनाते हैं ना, माना कि एक्स, तो एक्स दे देते हैं, तो एक्स क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, एज को, एक बात करते हैं, एज को मान लेंगे, तो माना कि रवि का एज एक्स साल है, तो एक्स एक्स जहाँ जहाँ लिखेंगे तो उसका मतलब क्या समझिएगा, आप एज है, क्योंकि एक्स किसको इंडिकेट करता है, एज को, तो इस हिसाब से है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट मतलब देखिए यही होता है ना वर्ड मीनिंग, अभी मैंने क्या बताया शुरू में, वर्ड मीनिंग है। जिसको याद ही नहीं रहेगा इंडिकेट मतलब क्या होता है, वो तो कन्फ्यूज रहेगा, वो तो डायरेक्ट इसको बोर्ड मास्टर पर बना देगा, उसका हो जाएगा गलती। तो देखो सबसे पहले आपके क्वेश्चन उतारू, देखिए अभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन को क्यों कन्फ्यूज कर दिया। देखो क्या है कि पहले तो बराबर दे देंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइनस, माइनस का मतलब प्लस है। अभी बोल मैंने ना, कुछ भी हो सकता है, इंडिकेट का मतलब होता है आपको मतलब इंडिकेट कर दिया है, समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस को माइनस से नहीं ले सकते क्योंकि पहले मना कर दिया है कि भाई माइनस है तो उसको आप प्लस को कर देना है, ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। साथ देखिए माइनस है तो आपको यहाँ पे क्या दे देना है, प्लस दे देना है। फिर दस है, दस का तो नहीं है कहीं पर, दस को क्या चीज़ से इंडिकेट किया, क्या चीज़ से दर्शाया है, इंडिकेट मतलब दर्शाना, संकेत एक तरीका से, तो नहीं है, तो उसको ऐसे ऐसे उतार देंगे। अच्छा फिर गुना है, तो गुना को क्या चीज़ से इंडिकेट किया है, ठीक है, गुना को इंडिकेट किया क्या चीज़, डिवाइड से, है ना, गुना को क्या चीज़ से इंडिकेट किया है, गुना जो यहाँ पे गुना है ना यहाँ पे इस जगह पे, उसको क्या चीज़ से इंडिकेट किया, डिवाइड से, तो गुना की जगह पर क्या दे देंगे, डिवाइड। फिर पाँच है क्योंकि
अंक जो है, डिजिट जो है, नंबर जो है, ये इसका तो कहीं पर मेंशन नहीं किया, कहीं पर चर्चा नहीं किया है कि इसका भी कोई इंडिकेटर है, वो तो नहीं है। केवल साइन के बारे में है, माइनस है, उसको बोलता है माइनस नहीं लेके क्या लो, प्लस लो, इंडिकेटर मतलब दर्शाना संकेत, तो मैंने प्लस ले लिया। फिर गुना है तो गुना को बोलता है गुना नहीं लेके क्या करो, भाग लो, तो मैं गुना समझू, यहाँ पर भाग हो गया। भाग को क्या कहता रहने के लिए, यानी कि डिवाइड को क्या कहता रहने के लिए, गुना रहने के लिए, पहले तो पाँच उतार दो, गुना रहने के लिए, छः है तो छः दे देंगे, फिर प्लस को क्या चीज इंडिकेट करते हैं, माइनस है तो उल्टा पुल्टा ये। अब यहाँ पे बनाओ तो इसमें गलती क्या करेगा, इसलिए यहाँ पे इसी को बनाने लगेगा, इसी को क्या करने लगेगा, बनाने लगेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको साफ साफ बोल दिया है कि माइनस है ना, माइनस को प्लस लेना है, गुना को डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई को डिवाइड लेना है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई लेना है, प्लस को क्या लेना है, माइनस लेना है, आपको साफ साफ बता दिया। अब यहाँ अब आपका सवाल ये नहीं रहा, अब आपका सब जहाँ पे पेन रखे वो नहीं है, ये वाला लें आपका नहीं। अब सवाल आपका क्या हो गया, अब आपका सवाल ये हुआ, बना दीजिए। देखिए जब ब्रैकेट के रहता है तब तो बोर्ड मास लगता है, लेकिन देखो बोर्ड मास ब्रैकेट के रहता है तो बोर्ड मास लगता है, लेकिन ब्रैकेट के नहीं है तो ओड मास लगेगा, ये ओड मास रूल लगेगा, क्या लगेगा, ओड मास, ब्रैकेट नहीं है, देखो ब्रैकेट कहीं पर नहीं है तो ये तो कट दो, ठीक है, अब ओड मास लगेगा, तो ओड मास में ओ भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है कहीं पर, ऑफ मतलब का ई भी कर दो, ई भी हटा दो, डिवाइड है तो डिवाइड का प्रोसेस करो, सात जोड़ दस में पाँच से डिवाइड करो तो तीन चार है, पहला आप या तो मन में करो, सेकंड चार है दस को ऊपर करो, ऐसे है ना, दस डिवाइड है तो डिवाइड है तो डिवाइड को बट्टा लिख सकते हो, पाँच काट भी सकते हो, पाँच एक कम पाँच पंद्रह दस दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, दस क्लियर हो गया, इंटू दे दो, छः दे दो, माइनस फोर दे दो, अब यहाँ पे दे दो, ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यहाँ तो डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई का कर दो, अब तो चौके बारह हो गया, घटे चार, मल्टीप्लाई भी हो गया, एडिशन हो गया, एडिशन का कर दो, बारह सात उन्नीस, ठीक है, उन्नीस घटे चार घटाएंगे तो कितना हो गया, पंद्रह, आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।